दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों जहां तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये आदेश पुराना है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर आप बताइएगा क्या अतिथि शिक्षकों को कितना समय देना है, क्या 10 से 4 बजे तक रुकना है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदेश मेरे पास में था, मैंने आपको बता रहा हूँ इस आदेश को। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी मध्य प्रदेश है दोस्तों, और तृतीय संभागीय सचिव रीवा संभाग, भारतीय मानव अधिकार ए नई दिल्ली, अतिथि शिक्षकों के अधिकारों के हनन और शोषण से बचाने के संबंध में ये आदेश है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस आदेश को देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से भाई होंगे जिनको पता नहीं होगा कि हमारे नियम क्या हैं और वो काम कर रहे हैं। मेरे पास में भी कमेंट्स आए थे सर आप बताइएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विषय अंतर्गत लेख है कि अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारी नहीं माने जाने हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को आकस्मिक कमी होने पर अतिथि शिक्षक एक पूर्णता अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें प्रति पीरियड कालखंड अध्यापन के आधार पर मानदेय दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक या सरकारी कर्मचारी की तरह ईएल, सीएल, एमएल, अवकाश, पीएफ का कोई भी प्रावधान नहीं है। अर्थात सरकारी कर्मचारियों के शर्तों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। कोई भी अतिथि शिक्षक शाला में निर्धारित अपनी पीरियड पढ़ाने के बाद अध्यापन समय छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी अतिथि शिक्षक किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने, जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने, कोचिंग चलाने, किसी बीमा कंपनी का एजेंट बनने जैसे अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी संस्था में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है और संस्था में अनुपस्थित रहते हैं तो मानदेय भुगतान नहीं होगा। अतः अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी की आवश्यक शर्तों से मुक्त है। इस कार्यालय से किसी भी अतिथि शिक्षक के साथ शासकीय शिक्षकों की शर्तों को न मानने पर किसी प्रकार की कार्रवाई विरुद्ध में नहीं की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी मध्य प्रदेश से आदेश जारी हुआ था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई भाई कमेंट्स कर रहे थे सर हमको कितना समय देना है स्कूल में, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सब्जेक्ट या आपने पीरियड पढ़ा कर आपको अपनी व्यवस्था के आधार पर देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।